चाय पीते पीते एक शायरी याद आ गई। मेरे दोस्त, बिना बदनामी का नशा किया करते हैं हम मासूम लोग हैं जनाब, सिर्फ पहाड़ी चाय पिया करते हैं। आज देखो हमारी बुड्ढी जी है यहाँ पे। बुड्ढी जी कैसे हो? ठीक हो? तबियत पानी ठीक जी? और हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ में है ये देखो केले के चिप्स। तो शाम के 5:40 बजे यहाँ पे इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे इतना काला हो रहा है। ये आग वाला कुकर है यहाँ पे देखो, आग के चूल्हे में, और इसके अंदर रखिए गर्मा गर्म पहाड़ी दाल। तो पहाड़ों में देखो इतना सुकून भरा जिंदगी है ना। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाइस, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं केदार घाटी से। सो गाइस, मेरे गांव का नाम है सेमी गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा गाँव। अभी सुबह सुबह से बारिश लगी पड़ी है, देख सकते हैं चारों तरफ देखो बारिश ही बारिश, और यहाँ पूरा का पानी हो गया है। सो गाइस, अभी सुबह का नाश्ता भी तैयार है। नाश्ते में आ जाए गोभी की सब्जी है, और प्याज है, रोटी है, और गर्मा गर्म चाय है। तो फटाफट से करते हैं। तो गाइस, अभी सुबह का नाश्ता पानी भी हो गया है। अब सो गाइस, आज सुबह सुबह का मौसम का हाल देखिए, बड़ा ही सुहाना मौसम है। आज सुबह से बारिश लगी थी कंटिन्यू, और बादल भी देखो काफी नीचे आ रखे हैं। मौसम पूरा का पूरा पैक है मौसम आज। तो आज सुबह सुबह मंदाकिनी नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो देख सकते हैं केदार घाटी का भी मौसम देखो पूरा का पूरा बदला हुआ है। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, 9 बजे का मौसम का हाल कुछ ऐसा है हमारे केदार घाटी का, देख सकते हैं। तो गाइस, अभी दिन के 12 बज चुके हैं, तो हमारे दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है। अब देखो क्या बना रही है आज पूनम। ये हमारी नित्या रानी यहाँ पे। क्या करते हैं नित्या आप? मम्मी क्या कर रही? मम्मी कहाँ है? मम्मी क्या कर रहे? मम्मी मम्मी भात बना रही। ठीक, तो गाइस आज यहाँ पे बना रहे हैं कड़ी चावल बना रहे हैं, और ये पूनम ने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे पड़ चुका है फ्रेश कड़ी पत्ता जो कि अभी अभी निकाला है हमने पेड़ से, और ये पड़ चुका है लहसुन, और ये पड़ चुका है हल्का सा प्याज, तो यहाँ पे ये मिक्सचर है, इसमें है दही है, बेसन है, नमक है, मसाले हैं, तो इसको पूरा मिक्स करके रखा है यहाँ पे। अब जो मिक्सचर है उसको उसमें डालेंगे। तो हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से बनती है कड़ी, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से बनती है। और ये देखो, तो आज खाएंगे कड़ी चावल, पहाड़ी कड़ी चावल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही चुका है, अब इसमें थोड़ा उबाल आएंगे, बॉयल होगा ये। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारी कड़ी बन के भी तैयार हो गई है। यहाँ पे दिन का लंच भी तैयार है। लंच में आज है कड़ी चावल है, और हरी मिर्च है, प्याज है यहाँ पे। तो फटाफट से दिन का लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और हम पी रहे गर्मा गर्म पहाड़ी चाय। तो एक चाय पीते पीते एक शायरी याद आ गई। मेरे दोस्त, बिना बदनामी का नशा किया करते हैं हम मासूम लोग हैं जनाब, सिर्फ पहाड़ी चाय पिया करते हैं। आज देखो हमारी बुड्ढी जी है यहाँ पे। बुड्ढी जी कैसे हो? ठीक हो? तबियत पानी ठीक जी? अच्छा। तो गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ में है ये देखो केले के चिप्स। तो फटाफट चाय और केले का चिप्स खाते हैं। ये देखो बारिश यहाँ पे आ चुकी है, ये देखो भयंकर वाली बारिश आ चुकी है यहाँ पे, ये देखो शुरू हो गया यहाँ पे, ये देखो तब फिर से पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, बाप रे बाप। तो ये देखो गाइस, जिसका वो था बारिश आ ही गई आखिरकार। अभी शाम के लगभग 5:40 हो रहा है, और 5:40 तो शाम के 5:40 बजे यहाँ पे इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है, और नदी का भी रौंद्र रूप आ चुका है। मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर बहुत ज्यादा हो रखा है। तो गाइस, आज हमारा रात का डिनर भी तैयार है। तो आज पूनम ने बनाया है गर्मा गर्म, ये हमारा कुकर है, आप देख रहे होंगे इतना काला हो रखा है। तो ये आग वाला कुकर है, तो यहाँ पे देखो आग के चूल्हे में, और इसके अंदर रखिए गर्मा गर्म पहाड़ी दाल, और ये इधर सब्जी बन के तैयार होगी। से तो ये हमारे आग वाले चूल्हे में बन रही है दाल और सब्जी।
तो बाकी रोटी बननी बाकी है अभी। इतना सुकून भरा जिंदगी है ना, मस्त करके आग वाले चूल्हे में खाना बनाओ, ऊपर देखो लकड़ी भी रखी है, बाहर देखो एकदम अंधेरा हो रखा है। तो हमारा मोती भी यहाँ पे लेटा हुआ है, इसकी आंखें देखो कितनी भयंकर चमक रही, देखो इतनी भयंकर आंखें चमक रही मोती की, ऐसा किसी ने। और बाहर का नज़ारा देखो, पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है। और ये देखो सामने, और सामने देखो हमारे घर के ठीक सामने है डैम, मंदाकिनी डैम। और इसकी लाइटें इतनी प्यारी लग रही ना, गजब की लाइटें लग रही। बाकी ये देखो अमरूद का पेड़ इस समय कैसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो बाकी देखो उखीमठ घाटी में भी लाइटें बहुत अच्छी चमक रही है, मस्त वाली चमक रही है। तो गाइज आज रात का भी डिनर रेडी है, डिनर में आज है पहाड़ी दाल है, करेले की सब्जी है और राई रोटी है। तो फटाफट से रात का डिनर करते हैं गर्मा गर्म, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी रात का डिनर भी हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम।